से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है झिलमिल सा घर। देखने से बाज नहीं आती, किसी का सुर्खी पाउडर नहीं छोड़ती नचनिया की औलाद। अरशद ने मुझे एक पंगड़े वाले साहब के बारे में बताया जिनको एक मुलाजमा की जरूरत है। बात कराया हूं मैं, नौकरी पक्की समझ। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को दीना। आज फिल्म के बारे में पहली दफा अनाउंसमेंट की, धूम मच गई। जाहिर है फरहाद सेठी की पहली फिल्म है ये। तुम्हें बस ऊपर के काम करने होंगे, मेरा ख्याल करना होगा और बच्चों को संभालना होगा। आप फिक्र ही ना करें बेगम साहिबा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब बड़े लापरवाह लोग हैं भाई, सब कुछ खुला छोड़ के चले गए। अब गरीब आदमी की नीयत और ईमान तो डगमगाएगा ना। मैं घंटे बाद आती हूँ तुझे लेने। अरे नहीं, तुम कहाँ रात को आओगी, ये यही कहीं सो जाएगी। बाजी आपको सताएगी, आपके आराम के लिए ही बोल रही हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं चुपके से आके इसको ले जाऊंगी, जरा खटका नहीं होगा। नहीं नहीं, ये यही सो जाएगी। सुरैया को साथ क्यों नहीं लेके आई? अब बेगम उससे अपने पांव दबवा रही है, कैसे ले आती जबरदस्ती उसे। अम्मा वो खुद ही नहीं आई होगी, बड़ा दिल लग रहा है उसका माँ, फिल्म टीवी रेडियो मेकअप। और पहले ही उसे सिखा पढ़ा देना था ना कि आज हमारा निकलना कितना जरूरी है। चरसी तो तू है, मुझे तो लगता है पागल भी हो गया तू। उस भोली बच्ची को सिखा देती और वो अपने भोलपन में बक देती किसी के सामने तो क्या करते हम। बस आज की रात हर हाल में निकलना है, वरना सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा सब। चौकीदार को तो मैंने 100 रुपए और दे के राजी कर लिया है, लेकिन वो माली बड़ा वफादार है, शुक्र है आज छुट्टी पे है। कल कला को वो आ गया ना फिर हम नहीं निकल सकेंगे, बगीचे में सोता है खटिया डाल के। अच्छा अच्छा सब्र कर, मैं थोड़ी देर में फिर जाती हूँ।
सुरैया के अब्बा, बेगम साहिबा नहीं आने दे रही सुरैया को। और चल टांगे वाले को, मैंने बाहर सड़क के पार खड़ा किया है, सामान और बच्चे उसी में, बस तू चल। देख बस एक बार जाने दे तुझे खुदा का वास्ता, लड़की जात है कैसे रहेगी हमारे बगैर। एक अकेले उसके लिए तू सारे टब्बर को तकलीफ में डालेगी। बस एक बार मुझे और जाने दे। और बेगम साहिबा की आंख खुल गई या किसी चमचे गुलाम ने देख लिया ना तो जेल की हवा खाएंगे। मेरा दिल नहीं मानता सुरैया के अब्बा, सिर्फ एक बार मुझे जाने दे। जा मर। सुरैया, वो कमबख्त मारी नास पीटी मर्दूद, अरे देख ले मुड़के। सुरैया, अरे मौत आ जाए तुझे कमबख्त देख। सुरैया, अरे नास पीटी मौत आ जाए तुझे। अरे मुड़ के देख ले अपनी माँ को, अरे मौत आ जाए तुझे नास पीटी मर्दूद, कीड़े पड़े तुझे। सुरैया, 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 अरे मुड़ के देख ले अपनी माँ को, अरे मौत आ जाए तुझे नास पीटी मर्दूद। मालूम होता है बदमाशी तुझे अंदर कीड़े पड़े तुझे। हमारे इंसाफ और कानून को सुरैया, अपनी बीवी इस निशानी को पहचानिए जिंदगी, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं तेरा दम निकल जाए फिल्म देखते देखते कमबख्त। सुरैया एक बार देख ले सुरैया। मगर इंसाफ परवर बादशाह तो कभी अपने पांव से नहीं फिरते। क्या कुछ याद नहीं? आप अपना वादा भूल सकते हैं लेकिन वो शहंशाह का शहंशाह जिसने आपको शहंशाह बनाया। सुरैया के अब्बा, सुरैया नहीं आई। ओ बकवास बंद कर, बेगम साहिबा की आंख खुल गई ना तो जेल के पार पहुंचा देगी हमको। फिर तू सोच हमारे बगैर ये तीन के तीन कैसे पलेंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता हूँ चल छोड़ उसे, बच्ची ना मानी कैसे रहेगी हमारे बगैर। चल
फरीदा कहाँ हो, कब से आवाजें मार रहा हूँ मैं? साहब जी मैं आ ही रही थी, बाजी जी ने काम से भेजा था। कल मेरे कमरे में कौन गया है? मेरी चीजें छेड़ी हैं किसी ने, ये घड़ी नहीं मिल रही और एक इतना कीमती कैमरा था वो भी गायब है। चन्ना ये क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे इसको सख्ती से पूछने दो, लाड ना करो इसको, मुजरिम है ये। शुक्र कर हम खैरियत से वहां से निकल आए हैं, और तेरे मैके का तो किसी को पता भी नहीं है, अब वहां रहेंगे मजे से। अपने जिगर का टुकड़ा तो मैं वहीं छोड़ के आ गई ना। और इतने सारे जिगर के टुकड़ों में से एक टुकड़ा रह भी जाए तो काम चल जाता है। मैं किसी भी तरह रह लूंगी, मैं इन बच्चों में अपना दिल लगा लूंगी, पर मैं अपने दिल को ये कैसे तसल्ली दूं हमारे जाने के बाद हमारी सुरैया के साथ क्या किया होगा उन्होंने, हमारा सारा गुस्सा उस पर निकाला होगा, वो उसे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे ना? और नहीं करेंगे, 10 साल की बच्ची को पुलिस के हवाले करेंगे? फिर भी हमारा पूछने के लिए उसे मारेंगे पीटेंगे, हमारा पता पूछेंगे उनसे। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं करेंगे ऐसा, तू फिक्र ना कर। अगर उसे घर से निकाल दिया तो दर दर के ठोकरें खाएगी मेरी बच्ची, लड़की जात है, किसी के हाथ लग गई तो कैसा बाप है तू? ओ भाई नहीं निकालेंगे वो घर से, एक पला पलाया नौकर उम्र भर के लिए उन्हें मिल जाएगा, और क्या चाहिए होता है साहब लोगों को, वो तो शुक्र करके रख लेंगे। फिक्र ना कर तू, हमारे साथ उधर होती ना कोठी बंगले पे तो बंगले और बंगले वालों की चाकरी करनी थी उसने, अब भी करेगी। सात बज गए, ये मासी ने अभी तक फीडर साफ करके नहीं रखी है। सुरैया सुरैया उठो, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम, बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती है तुम्हें? उठो जाओ अपनी माँ को बुला के लेकर आओ, उसने सारी फीडर्स धो के नहीं रखी है यहाँ पे। हालांकि मैंने उसे कहा हुआ है कि 5-6 बजे तक फीडर्स को साफ करके मेरे सिरहाने रख दिया करे, बुला के लेकर आओ। बस बस मेरा बेबी, अभी मेरा बेबी का जुजू आता है। बाजी जी आज बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे स्कूल नहीं गए क्यों, मासी से पूछो, दोनों की तबीयत तो ठीक है? जी बाजी मैंने बच्चों से पूछा था, वो कह रहे थे मासी हमें तैयार करवाने और नाश्ता करवाने नहीं आई, इसलिए हम स्कूल नहीं गए। यार अल्लाह अब क्या मौत पड़ गई है उसे, मेरे भी सारे काम अधूरे छोड़े हुए। जाओ जाके क्वार्टर में चेक करो, कहीं बीमारी का बहाना करके लेटी भी ना हो। बश बश बेबी का बश मिला बेबी, बश बश बश, मैं अभी खुद देखती हूँ मेरे बेबी का दूध तैयार नहीं किया है। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे ओ सुरैया देख एक बार पीछे तेरी माँ खड़ी बुला रही है तुझे।
फरीदा, फरीदा, बाजी जी, कुबरा का क्वार्टर तो खाली पड़ा हुआ है। सुबह सुबह कहाँ जाएंगे? जाके चेक करो, इधर उधर देखो, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। नहीं बाजी जी, मेरा ये मतलब नहीं कि वो क्वार्टर में नहीं है। मेरा मतलब है क्वार्टर में कोई सामान उमान नहीं है, झाड़ू फिरी हुई है क्वार्टर में। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? फरीदा, कहाँ हो, कब से आवाजें मार रहा हूँ मैं? साहब जी, मैं आ ही रही थी, बाजी जी ने काम से भेजा था। कल मेरे कमरे में कौन गया है? मेरी चीजें छेड़ी हैं किसी ने, ये घड़ी नहीं मिल रही, और एक इतना कीमती कैमरा था वो भी गायब है। क्या हुआ झरना? फरीदा, तू जाके चेक कर मेरे कमरे में, अगर कोई भी चीज गायब हुई ना तो फौरन मुझे बता, जा। जी बाजी जी। क्या हुआ, क्या है? अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारी घड़ी और कैमरा गायब नहीं हुआ है, बल्कि और बहुत कुछ भी गायब हुआ है। क्या मतलब? बाजी जी गजब हो गया, आपके जेवर वाली संदूक चाहिए ना, खाली पड़ी हुई है। आखिर हुआ क्या है? वो मुझे लगता है कि शायद मुलाजमों ने चोरी कर ली है। जी सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ। अरे सर कल बुला लेंगे। हाँ आप वहीं भाभी के पास रुकिए, ठीक है सर? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, आ रहे फराज साहब? आ रहे नहीं, फराज साहब तो नहीं आएंगे आज। क्यों? मैंने आपको बताया तो था, भाभी की तबीयत खराब चल रही है आजकल, कल फराज साहब के यहाँ बेटा हुआ है असल में। हे यार, बच्चे तो रोज ही होते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई? फिल्में रोज रोज नहीं बनती हैं। अबे सारे काम छोड़कर यहाँ आकर बैठे हूँ और आप कह रहे हैं कल आना? भाई इसमें मेरा क्या कसूर है यार? अभी आपके सामने फराज साहब की कॉल आई है, मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो आज नहीं आएंगे। मजाज साहब का वहाँ सेट तैयार खड़ा है, मुझे कल वहाँ जाना है, मैं कल नहीं आ सकता। अब बात करो उनसे, फराज साहब से बात करो। भाई मेरे बात समझ लो, बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, फराज साहब नहीं आएंगे। अगर भाभी बीमार हो ना तो समझ लो सब कुछ खराब हो गया। यार वैसे एक बात समझ में नहीं आई, झरना बेगम फराज सेठी से उम्र में ठीक ठाक बड़ी होंगी। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, उस वक्त इनकी पहली फिल्म आई थी एज अ हीरोइन। ऐसी क्या कशिश है इस खातून में कि फराज सेठी जैसे बंदे को दीवाना किया हुआ है। यार सबको अपने अपने मतलब ने दीवाना बना के रखा है, ये इश्क की नहीं गरज की दीवानगी होती है, बस समझे, गरज की दीवानगी। कहाँ रह गए सब? फरीदा, ये ले बाजी जी चाय। तो चुप कर मनहूस, सुबह से नौसत फैलाई हुई है भाभा करके। बाजी जी मुझे दे मुन्ने को। ये कैसा रवैया है फरीदा? उस बच्ची पे क़यामत टूट चुकी है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही, वो तो फिर बच्ची है। कैसे संग दिल है इसके माँ बाप। चलो जेवर और पैसा हथियाया सो हथियाया, जबान से मुकर गए वो अलग, लेकिन अपनी बच्ची को भी इस तरह फेंक गए, तौबा तौबा। अब तो बस यही आस है कि शायद वो इसके लिए ही पलट कर आ जाए। बाजी जी आप ये आज तो छोड़ ही दें, उनके दिल में अगर मोह होती ना तो लड़की रात को इस तरह छोड़ के ना जाते, अब वो नहीं पलटने वाले, देख लीजिएगा। मुझे कुछ
जी नए नौकर थे जी 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 किसी के रेफरेंस से ही हायर किया था उन्हें। दरअसल मुझे इतनी डिटेल्स मालूम नहीं है, मेरी मिसेस ने हायर किया था। कुछ कैश है, कुछ ज्वेलरी, कुछ और भी कीमती सामान था। आप ऐसा करें ना कि रिपोर्ट दर्ज कर लें, मैं मज़ीद तफसीलात लेके आपको फ़ोन करता हूँ फिर से। जी शुक्रिया। कमबख्त, तू अभी तक रो रही है? कान खोलकर सुन ले मनहूस, तेरे माँ बाप चले गए, अब वो नहीं आने वाले, चाहे तू गंगा जमुना बहा ले, जा काम कर। ये क्या, ये यही है? इसके माँ बाप इसको साथ नहीं लेके गए? नहीं साहब जी, ये ना बाजी जी के साथ सो रही थी तो इसके माँ बाप इसको छोड़कर भाग गए। चलो अच्छा है, इसके जरिए उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साहब जी मैं जरा मुन्ने को देखकर आती हूँ। कहाँ गए हैं तुम्हारे माँ बाप लड़की? सुरैया कहाँ है? साहब जी ना उससे पूछगछ कर रहे हैं। तुम उस नन्ही सी जान को फरहाद के पास छोड़कर आ गई हो? तुम्हें पता है ना फरीदा, फरहाद गुस्से का कितना तेज है, किसी का लिहाज नहीं करता है वो, और वो बेचारी बच्ची तो पहले ही सहमी हुई है। संभालो तुम बच्चे को, मैं खुद जाके देखती हूँ। थाने में बहुत मार पड़ती है, मैंने फिल्मों में देखा है। बोलो लड़की, कहाँ गए हैं तुम्हारे माँ बाप? झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जानती हो। रिश्तेदार कहाँ रहते हैं तुम्हारे? गांव में कोई घर है तुम्हारा? मैं अपनी पहली फिल्म करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने आप को टीवी में मनवाया उसी तरह फिल्म में सबको चौंका के रख दो। बोलो लड़की, कहाँ गए हैं तुम्हारे माँ बाप? झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जानती हो। रिश्तेदार कहाँ रहते हैं तुम्हारे? गांव में कोई घर है तुम्हारा? बोलो ना, बोल। क्या कर रहे हो तुम? किस तरह का रवैया कर रहे हो उसके साथ? इस लड़की से उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके माँ बाप कहाँ होंगे, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही। अरे इस बच्ची को पता होता तो उनके साथ चली ना जाती। झरना ये क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे इसको सख्ती से पूछने दो, लाड ना करो, इसको मुजरिम है ये। मुजरिम है? ये बच्ची मुजरिम है? फरहाद माना कि इसके माँ बाप ने हमारे घर में चोरी की है, हमारा नुकसान कराया, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? हद हो गई, अगर इस बच्ची को पता होता, अगर जरा सी भी बनक होती तो ये मेरे पास मेरे कमरे में होती, उनके साथ चली ना जाती। उसके माँ बाप तो ऐसे छोड़ के चले गए जैसे कोई फालतू सामान हो ये, ऊपर से तुम भी डांट डपट कर रहे हो, ये बेचारी तो बेखबरी में मारी जा रही है। ठीक है मान लिया इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के बारे में तो जानती होगी ना ये, इतना तो पूछने दो मुझे। ठीक है मैं प्यार से पूछ लूंगी इससे, लेकिन फिलहाल तुम तो इस पर रहम करो, छोटी सी बच्ची देखो कैसे सहम गई है वो। ठीक है मैं कुछ नहीं पूछता, अब जो कुछ पूछना है ना पुलिस खुद ही पूछ लेगी। पुलिस? पुलिस को क्यों मुलव्वस कर रहे हो इस मामले में? क्या हो गया तुम्हें झरना, घर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, अब रिपोर्ट तो दर्ज करनी होगी ना। ठीक है लिखवा लो रिपोर्ट, लेकिन एक बात याद रखना फरहाद, मैं पुलिस को इस बच्ची तक पहुंचने नहीं दूंगी। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है झरना, बस रोना बंद करो।
इधर आओ मेरे पास आके बैठे थे। देखो सुरैया, फरहाद की बातों को संजीदगी से मत लेना, वो एक नरम दिल का इंसान है। अब हालात ही ऐसे हैं इसलिए डांट दिया उसने, लेकिन तुम घबराओ मत, वो तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेगा। पाजी आप सच बोल रही है ना, वो मुझे थाने तो नहीं भेजेंगे ना? थाने में बहुत मार पड़ती है, मैंने फिल्मों में देखा है। लो, इसको इस मौके पर भी फिल्में याद आ रही हैं। सुरैया जाओ, जाके बच्चों के कपड़े निकाल के इस्त्री करो, अपना दिल काम में लगाओ, ध्यान बटा रहेगा, ठीक है? जाओ शाबाश। जी बाजी। बाजी वैसे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको ना इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है तो आखिर चोरों का खूनी। तो क्या करूं मैं, उस बच्ची को घर से उठा के बाहर फेंक दूं? हाँ, एक औरत होके तुम ये बात नहीं जानती हो कि दुनिया कितनी जालिम है, कितनी खतरनाक उम्र है उसकी। तुम तो खुद बेटियों की माँ हो, तुम्हारा हौसला कैसे हुआ ऐसी बात कहने का? बाजी मुझे भी उससे हमदर्दी है, लेकिन मैं आपका भी बुरा होते नहीं देख सकती। तीन तीन बच्चे इस घर में, उसके माँ बाप ऐसे हैं, उन्होंने अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा किया, उसकी औलाद भला आपके बच्चों के साथ कुछ बुरा करते हुए झिझकेगी? नहीं ना। और मैं फिर कौन सा कह रही हूँ कि आप उस लड़की को उठा के फुटपाथ पर फेंक दीजिए, भाई किसी यतीम खाने में दाखिल करा दीजिए ना। अगर वो बच्ची इस घर के किसी कोने में पल जाएगी तो मेरा क्या ले जाएगी, उल्टा मुझे सवाब भी मिलेगा ना। और देखो फरीदा, तुम भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लो, उसका ख्याल रखो, बेचारी दुखी है वो। जी बाजी। ओए बेबी क्या हो गया? ओए बेबी, ओए बेबी क्या हो गया? मैं बेबी को क्या हुआ है? हाँ? हाँ? क्या बात है सर, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हूं मैं परेशान, हालांकि मुझे ऐसे मौके पे परेशान होना नहीं चाहिए। मैं अपनी पहली फिल्म करने जा रहा हूं सलीम, और चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अपने आप को टीवी में मनवाया उसी तरह फिल्म में सबको चौंका के रख दूं। सर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अरे इतना जानदार स्क्रिप्ट है, और फिर इतने बड़े शायर फैज साहब का आपने कलाम लिया है इसमें, जब मेहदी हसन और भाभी की आवाज में वो रिकॉर्ड होंगे, और फिर ऊपर से आपकी हिदायतकारी। अरे सर शाहकार बनेगा शाहकार। झरना ने मजीद गाने गाने से इनकार कर दिया है। मगर क्यों सर, भाभी ने बाहर काम करना बंद किया, आपकी फिल्म में सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करेंगी तो फिर कहाँ करेंगी? कभी कभी मुझे लगता है सलीम, मैंने उसे शादी करके उसके टैलेंट पे जंग लगा दिया, और लोग भी यही समझते हैं कि मेरी वजह से उसने काम छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी उसको गाना गाने से नहीं रोका, बल्कि उसकी आवाज़ ही तो थी जिस पे मैं फिदा हो गया था। ये तो खुद झरना ही है जिसने मुझसे शादी करके अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लिया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बच्चे उसका घर है, सरों में दिलचस्पी नहीं रही उसे, और शायद मुझ में भी नहीं। अरे ऐसा ना कहे सर, वो सुरों में क्या पूरी दुनिया में दिलचस्पी लेना छोड़ सकती है, मगर आप में नहीं। अरे सर आप तो उनका इश्क है, उनकी मोहब्बत है। पहले मैं भी यही समझता था सलीम, लेकिन अब उसका इश्क उसकी मोहब्बत सिर्फ उसका घर है, उसका शौहर, जिसके नाम के आगे वो अपना नाम लगा सके, जो उसे बच्चे दे सके,
और अगर मैं ना होता तो कोई और हो जाता। उसकी जिंदगी तो मुकम्मल है, अधूरा तो मैं होके रह गया। शायद वो मुझसे आज भी मोहब्बत करती है, लेकिन सिर्फ एक शौहर के तौर पे। मेरे काम, मेरे जुनून से मोहब्बत नहीं करती है। मैं चाहता हूं सलीम के पहले की तरह उससे अपना काम डिस्कस करूं, स्क्रिप्ट के हवाले से, लोकेशंस, कास्टिंग, गाने। तो क्या भाभी का बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया है? हाँ सलीम, अब उसकी जिंदगी का महवर कुछ और है। वाह सुरैया, कितना खूबसूरत बजाने लगी हो तुम। देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि आप छोटी स्क्रीन के आर्टिस्ट नहीं हैं। तीन तीन सुपर हिट ड्रामे ठीक 8 बजे पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू सा आलम होता था। जब इनकी फिल्म लगेगी ना तो ऐसा रश समेटेगी कि पुलिस के उतारने से भी नहीं उतरेगी सिनेमा घर से। चांद सा चेहरा तेरा शर्मीली आँखें।